बनू में जो वाकया हुआ है वहाँ दहशतगर्दी के नाम पर उन्होंने वहाँ आम लोगों को शहीद किया। वहाँ के ताजर थे, लोगों ने कहा कि ये तो यहाँ के मकामी लोग हैं, आपने इनको उठाया, इनको शहीद किया। उनके जनाजे वसूल कर रहे थे लेकिन वो जनाजे नहीं दे रहे थे। जो वहाँ से फिर लोग निकले उन्होंने पासुन किया, यानी उन्होंने वहाँ मुजाहिमत किया और लाखों लोग निकले और पुरअमन मुजाहरा किया। आज का एहतजाज कल बनू बाजार में, बनू में पश्तून आवाम के एहतजाजी मार्च पर, पुरअमन मार्च पर, उस पर रियासती फोर्सेज की फायरिंग के ख़िलाफ़ है जिनमें दर्जनों अफराद शहीद जख्मी हुए। बनू आवाम का मतालबा था कि शहर और आस पास मसल तनजीमों के दफातर उनके आड़े ख़त्म किए जाए, उनकी अमन अमान के खिलाफ इकदाम की रोकथाम की जाए। दर्जनों लोग जो है ना जख्मी वहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपने अगर दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, दहशतगर्द तो आपने खुद लाया, आप खुद तस्लीम कर रहे हो। आपका डिफेंस मिनिस्टर वज़ीर दिफा कह रहा है कि हमने 5,000 दहशतगर्दों को काबुल के पुल चिरखी जेल से रिहा कराया। 15 अगस्त 2021 को जनरल फैज़ हामिद गए थे, बैरिस्टर साहब गए थे, बाकी लोग गए थे, इनको रिहा करके आपने लाया। आपके पास मौजूद है, आपको उनके बारे में अच्छी तरह मालूम है। आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, न के आम शहरियों को आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो आप कह रहे हो अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान, ये दरअसल अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान है। ये पश्तून वतन में, पश्तूनख्वा सरजमीन में ऑपरेशन जारी है, बलोच वतन में ऑपरेशन जारी है, पंजाब में अमन व अमान है, वहाँ पे सड़कें बन रही है, वहाँ पे तरक्याती अमल हो रहा है। वहाँ हालांकि पंजाब में 80 के करीब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम हेडक्वार्टर जो है ना वो पंजाब में है, लेकिन वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा।